तो आज हमारे भाई साहब ने हमें बुलाया है एक मशीन का असेंबलिंग के लिए। तो आइए भाई साहब से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से मंगाई है आपने ये मशीन? ये मैंने दिल्ली से मंगाई है सर। और ये किस काम में आती है भाई साहब? ये ट्यूबलेट टायर खोलने के काम में आती है बसों के लिए। ट्यूबलेट टायर खोलने के, बड़े बड़े जो टायर होते हैं वो खोलने, बड़े बड़े जो टायर होते हैं उनको खोलने के काम में आती है ये चीज़ें ना। और कितने की पड़ी भाई साहब ये मशीन? आप तकरीबन यहाँ आके 1.5 लाख की पड़ गई, 5-6 हज़ार साथ में इसके। तो करते हैं अपना इसके असेंबली की ओपनिंग। साइज देखे आपने, आप लोगों ने देखा इतने बड़े नट का भी, ये मेरे हाथ में देखो, साइज देखो आप इसके। नाम चलाने का चप्पू है, कुछ दिन में काम आने वाली एक चीज है। Later. इसमें आमने सामने ये दो हमने लगा दिए एकदम बिल्कुल सीध में, और दो जगह नट अटकाने हैं। ये दो हमने नट अटका लिए ताकि टायर आगे पीछे ना हो, और दो ये लोग यहाँ पे अटका दिए। इसके बाद यहाँ पे स्टैंड लगाएंगे। ये खोलने के लिए ये वाला जुगाड़ है, कड़ा फिट करने के लिए कोई एक दूसरा। यहाँ पे सर्फ का पानी या फिर कोई पुराना ऑयल, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमारे मित्र नाकाम कोशिश करते हुए। अभी यहाँ पे अटका के, ये रिमोट ऑपरेटर है। अच्छा, रिमोट से ऑपरेट होती है मशीन। ठीक है, यहाँ से मशीन, ये मशीन हमारी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट पे ओके करते ही अब इसे अपिया डाउन करके इसे खोल दो। बस बंद कर दे। राकेश जी कामयाब हो गए इसे खोलने में। एकदम इजी तरीके से टायर बाहर आ चुका है। टायर फिट करने के लिए इसे हम चेंज कर लेंगे इसकी जगह। तो इसके ऊपर टायर रख के हमने टायर रख दिया। अब इसे, अब ये टायर इस साइड घूमना चाहिए। जैसे यहाँ पे बेरिंग है तो ये बेरिंग से इधर की ओर घूमेगा और ये टायर फिट करते हुए चलना।
चलो किसी ने भी टायर पकड़ा हुआ नहीं है, खुद ही फिट कर देगा। ये टायर एक बार में अंदर जा चुका है, अब इस मशीन में जो ये रिंग है ये बाहर आनी चाहिए टायर के ऊपर। ये देखो ये वापस सरफ का पानी लगा रहा है, पानी और सरफ का छिड़काव किया ताकि टायर स्लिप है, स्लिप हो, स्लिपरी रहे। ये टायर फिट हो चुका है। हाँ, जैसे कि मैंने मशीन लेके आया था मैं दिल्ली से, जब आपको मैं पहले परिचय दे चुका हूँ, आप टायर खोलने के समय कुछ थकान तो नहीं है आपको? मेरे को तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं टायर खोल रहा हूँ, बस पहली बात तो यही है। और इनको देख के, यही मशीन को देख के ऐसा लग रहा है कि कल से मैं भी एक नई टायर पंचर की दुकान इन भाई साहब के पड़ोस में लगा लूँ। इजी टू यूज, इजी टू हैंडलिंग मशीन है बस। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना अगर जैसे बड़े बड़े काम हैं तो आप लोग भी लाएँ, यूज़ करें, मशीनों का यूज़ करें, और भी अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स लेके आएँ। जैसे हमारे भाई साहब के पास में एक और ये मशीन है, यहाँ पे पड़ी हुई है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। और मैं ये पूछना चाह रहा था भाई साहब के, है ना, ये जो मशीन है ये क्या है, समझ में नहीं आया मेरे को। अगर डुप्लेक्स टायर में अगर कट लगेगा ना, साइड में से कोई पत्थर भी लग सकता, कुछ भी हो सकता, तो ये उसके पकाई करने का, गर्म हीट देने की है, ये हीट करने की मशीन है। तो ये अभी तो अपन देख नहीं सकते इसका रिव्यू कि भाई ये मशीन कैसे काम करती है, तो देखते हैं भाई साहब कब कब आए ये काम। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट होती है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपके भी अगर कोई टायर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, फटा हुआ हो, घटा हुआ हो, तो यहाँ पुष्कर में भाई साहब की दुकान है, पुष्कर चुंगी नाके पे स्थित है, जगदम्बा टायर ट्यूब के नाम से स्थित दुकान है ये। तो आप कभी भी आके संपर्क करें, इनके मोबाइल नंबर हम स्क्रीन पे डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा प्लीज़। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये आपकी, आपको हमारी मशीन पसंद आई है, हमारे काम पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।